हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु पर। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए मैथ सेशन T20 DI शो में। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आपके जो मिसिंग DI है, मिसिंग DI प्रॉफिट लॉस का, तो हम डिस्कस करेंगे। दो DIs में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, बहुत ही अच्छी DI है और अर्थमेटिक टॉपिक पे बेस्ड। प्रॉफिट लॉस का मिसिंग DI हम आज सोल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मैथ्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डेली जो आपका करंट अफेयर्स एंड डेली DI एंड अर्थमेटिक टॉपिक्स के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का DI, जिसके अंदर दिया हुआ, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली टू एंसर द क्वेश्चंस। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 100 ऑफ थ्री कैटेगरीज इन फाइव फैक्ट्रीज। पांच फैक्ट्री हैं KLMNO, उनमें से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा 100 में, मींस ये 1800 है तो 18 को 1800 बोलेंगे, 20 को 20.5 है तो 20, 2050 होगा ये 2250 हो जाएगा, ये 1700 होगा ये 2070 हो जाएगा, ऐसे करके ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 100 ऑफ थ्री कैटेगरीज। तीन कैटेगरीज है, मैनेजर, सुपरवाइजर एंड डिजाइनर, और उसी में जो ये तो फैक्ट्रीज है, ये फैक्ट्रीज होगी, ये तीन प्रकार की वैरायटी होगी जो कैटेगरी हो गई। देन उसके अंदर परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इन ईच ग्रुप, मतलब हर ग्रुप में, जैसे कंपनी के की बात करें तो उसके अंदर आपके डिजाइनर, सुपरवाइजर एंड जो मैनेजर हैं उनके अंदर तीनों में फीमेल का परसेंटेज दिया हुआ, मींस यहाँ 40 है तो 60 क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे, यहाँ 64 है तो 36 मेल हो जाएंगे, 70 फीमेल है तो 30 क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। तो मेल अपने आप आ जाएगा, फीमेल का परसेंटेज दे रखा हमें। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फीमेल इन मैनेजर पोस्ट ऑफ कंपनी एम कैन फिनिश ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो सबसे पहले जो कंपनी एम है इसकी फीमेल हमें निकालनी होगी, फीमेल तो कंपनी एम में टोटल एम्प्लॉय कितने, 7.5, तो 7.5 है मतलब कितने हो गए, 750 ये आपके एम्प्लॉयज हो गए। अब कंपनी एम की बात करें तो उसने क्या बोला, मैनेजर पोस्ट में, मैनेजर हमारे पास में क्या है, डार्क से 56% आपके क्या है, फीमेल है मैनेजर में कंपनी एम में, तो हमें 46% निकालना होगा। तो 46 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 25, 75 और 4 से, ठीक है ना, और यहां से आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 28, और ये आपका 2 से कैंसिल आउट, ये 2 से कितना हो जाएगा, 14 से, ठीक है, सॉरी 15 से यहाँ 15 आ जाएगा, तो 15 120 का 0 12, 15 30 और 42, मतलब 420 आपकी क्या हो जाएंगी, 420 क्या हो गई, फीमेल्स आ गई। अब 420 फीमेल्स 20 दिनों में काम करती हैं, वो कह रहा है 20 दिनों में, तो टोटल वर्क जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपके, 420 × 20, तो कितना आ जाएगा, 8400 यूनिट आपके क्या हो जाएगा, वर्क आ जाएगा। अब अगर आफ्टर दे बिगिन टू वर्क, जो जब वो स्टार्ट करते हैं, वो कंडीशन टोटल दे दी, उसके अंदर वाला 20 फीमेल्स लेफ्ट द वर्क आफ्टर एवरी 5 डे, 5 दिनों तक 20 काम करती हैं, उसके बाद में 20 कम हो जाती है, मतलब सबसे पहले 420 ने काम किया, ठीक है ना, 5 दिनों तक, उसके बाद में 400 ने काम किया 5 दिनों तक, उसके बाद में 380 ने काम किया, उसके अंदर 360 ने काम किया 5 दिनों तक, ठीक है ना। तो यहां 420 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100, तो मतलब डेली हर बार क्या हो रहा है, 20 वुमेन्स क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है ना। तो इनिशियली मेरे पास में 2100 था, तो यहां कितना 20 का लॉस होगा, तो मतलब 2000 वर्क होगा, उसके बाद में 40 का लॉस होगा, 40 वुमेन चली जाएंगी, तो मतलब 200 का वर्क होगा, लॉस होगा, ये 1900 का वर्क हो गया। यहां मेरे पास में 60 वुमेन कम हो गई है, तो यहां मेरा 300, यहां तो मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 1800 इन 5 दिनों में। तो अब इनको अगर हम देखें तो देखो ये कितना अराउंड हो जाता है, इसको आप ऐड करोगे 2100 और 1900 कितना हो गया आपके, 4000 और 2 6000, 7800 नियर अबाउट वर्क हो गया। तो अब मतलब अगर मैं 340 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 1700 वर्क तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, 600 वर्क चाहिए, ठीक है ना, 600 वर्क, और ये 600 वर्क 340, 600 जो रिमेनिंग वर्क है वो 340 वुमेन कितने दिनों में करेंगी, ये देखो आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30/17, तो यहां से 1 सही 13/17, तो मतलब 600 वर्क 340 वुमेन को कितना टाइम लगेगा, 600/340, तो 1 सही 13/7, तो 20 दिन पहले लग चुके हैं, क्योंकि ये 5 दिन, ये 5 5 10 15 20, 20 दिन पहले लग चुके हैं, 20 + 1 21 सही 13/17, 21 सही 13/17, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसको हम कैसे कर सकते थे, देखो पहले 5 दिनों में 2100 वर्क होता है, अगर मैं सबकी बात करूं, डेली हमेशा कम काम होगा, तो मतलब ये मैक्सिमम 4 बार जाएगा, अगर हम ट्रिक से करना चाहें इसको, 4 बार जाएगा, मतलब यहां अगर पूरी वुमेन करती तो 8400 वर्क कितने दिनों में हो जाता, 20 दिनों में, बट यहां मेरे पास में टोटल यहां लॉस होगा कितने का, 100 का, यहां 200 का लॉस था और यहां 300 का लॉस था, ठीक है ना। तो ये टोटल मेरे पास में 600 एक्स्ट्रा वर्क हुआ, 600 एक्स्ट्रा वर्क हुआ, तो ये 600 एक्स्ट्रा वर्क 340,
600 एक्स्ट्रा वर्क, 340 वुमेन अगर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो डे भी आएगा उन ये 600 जो एक्स्ट्रा वर्क हुआ है, जो 20-20 पूरी वुमेन ने काम किया, ये 340 वुमेन को क्या है कितने दिनों में करना पड़ेगा, वही आएगा आपके 600/340। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं और इसको आप कैलकुलेशन करके भी सोल्व कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21 सही 13/17 दिन लगेंगे वुमेन्स को काम करने में। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन मैनेजर पोस्ट इन ऑल फैक्ट्रीज टुगेदर। तो वो कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स, मेल फाइंड आउट करने इन मैनेजर पोस्ट में। तो मैनेजर सबसे पहले हमारे में देखो क्या है, ये रेक्टेंगल मतलब यहां हमें फाइंड आउट करने इन ऑल द फैक्ट्रीज। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सभी फैक्ट्रियों में टोटल एम्प्लॉइज 950, 1250, उसके बाद में 7050, उसके बाद में 1050, उसके बाद में 850। ये क्या है मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं इन ऑल द फैक्ट्रीज। अब हमें मेल फाइंड आउट करने हैं, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन मैनेजर पोस्ट, क्योंकि मैनेजर हमारे पास में क्या है, ये मैनेजर्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सभी में मैनेजर, यहां मैनेजर देखो ये लास्ट वाला है, तो इसमें मेरे पास में 70% वुमेन है, यहां 30% मैं मेल लिख रहा हूं, यहां पे मेल मैंने लिखा 30%, उसके बाद में 60%, उसके बाद में 44%, फिर देन 20%, देन 50%। तो यहां से तो कितना हो जाएगा, 425 मेल आ जाएंगे। यहां की बात करें तो कितने आ जाएंगे, 210 मेल आ जाएंगे। यहां की बात करें तो इसको आपको कितना करना पड़ेगा, 75 × 44, ठीक है ना, 44 हो गया यहां से मैनेजर का, 44/100। तो 4 × 11 बार, ये 25 बार, तो 330 आ गया यहां से। अब इसमें मैं 60% निकालना है, तो 25 कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। उसके बाद में इसको अगर हम निकालना है तो कितना होगा, 285। तो अपना कितना हो गया था, 285, 750, 330, 210 एंड 420। अगर हम बात करें, अब मेरे पास में देखो एवरेज निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, ये 285 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देन दूसरी कंपनी में 750 मेल हैं, फिर उसके अंदर 330 मेल हैं, फिर 210 मेल हैं, फिर 425। हमें अब इनको या तो ऐड करो और 5 से डिवाइड करो, इससे अच्छा हम मैंने माना एवरेज मेरे पास में क्या, लेट मैं पेन चेंज करता हूं उसके बाद आपको बताता हूं। ये हमने तो सबसे पहले मान लो 300 मैंने एवरेज मान लिया, मैंने माना 300 एवरेज है, तो यहां 300 बनाने के लिए मुझे -15 मतलब इसको देना पड़ेगा, और यहां 300 बनाने के लिए ये क्या देगा अपने को, +450 देगा, यहां से +30 अपने को ये देगा, यहां -90 आपको देना पड़ेगा, और ये कितना देना पड़ेगा, 300 है +125 वो देगा। तो अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहां से इन दोनों को कैंसिल कर दो तो मतलब मेरे पास में कितना बनेगा, +35 बचेगा, +35, और ये मेरा 15 है, इस 15 से ये 35 प्लस का माइनस करूंगा तो प्लस का 20 बच जाएगा यहाँ पे, तो 30 और 20 कितने हो गए मेरे पास में, 50, और ये कितने थे, 450, मतलब 500 एक्स्ट्रा हो गए। 500 को 5 में इक्वली डिवाइड कर दो, क्योंकि एवरेज हमने 300 लिया था, ये 100, तो 300 + 100 कितना हो जाएगा, 400। तो आपका एवरेज नंबर ऑफ मेल कितना आ जाएंगे, 400 आ जाएगा। यहां लिखते टाइम ज्यादा टाइम लगता है, बट आप जल्दीबाजी में करोगे तो यहां देखो कैलकुलेशन कितनी आसान होगी, 15, 450, 30, उसके बाद में 90 एंड 120, इसको सोल्व करना था, जबकि हमें पहले सोल्व करते तो इन सबको ऐड करते देन डिवाइड करते। अब हमारे पास में डायरेक्ट कैलकुलेशन सोल्व हो रही है, 300 + 100, 400 आपका क्या होगा राइट आंसर। इसमें बाई व्हाट परसेंट द मेल इन द डिजाइनर पोस्ट इन फैक्ट्री एम एंड एन, एम एंड एन की बात करें तो डिजाइनर मेरे पास में कहां पे है, ट्राइंगल में, तो कितने, 22, 550 एंड 1700 क्या है आपके एम एंड एन में डिजाइनर है, एम एंड एन में आपके क्या है, डिजाइनर है, ठीक है, ये डिजाइनर है। टुगेदर आर मोर और लेस देन फीमेल्स ऑन सुपरवाइजर पोस्ट इन फैक्ट्री के एल एन, के और एल की बात करें तो उसमें हमें क्या चाहिए, सुपरवाइजर ये होंगी के और एल में, 1350 टोटल आपकी क्वांटिटी हो गई, ये 1550। अब इसमें से फीमेल निकालनी है आपको, के और एल में कितनी है, 40% एंड 60%, ठीक है ना, 40% और 60%, इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 540, 135 को आप डबल करोगे 270 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 540 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर आएगा। इधर से हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 930, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, ये फीमेल कितनी आएंगी अपनी, 1470।
ठीक है ना, 1470 फीमेल आएंगी। अब यहां मेल हमें निकालने दे, व्हाट परसेंट द मेल इन द डिजाइनर पोस्ट, ठीक है। तो डिजाइनर में आपके कितने मेल्स आएंगे, डिजाइनर हमारे पास में क्या आएंगे, 2250 और 1700। कौन सी कंपनी में, एम एंड एन में देखने थे अपने को, एम एंड एन डिजाइनर्स क्या है, ये रे मेल देखने आपको, मेल देखने तो देखो ये 36% वुमेन है, तो 64% यहां मेल हो जाएंगे और यहां 30% क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे, सॉरी मेल हो जाएंगे। तो ये 510 हो जाएगा और इसको 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 64 से मल्टीप्लाई करें हम तो 2250 × 64/100 है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको हम इसे सोल्व कर लें या फिर 25 से डायरेक्टली 25 नीम, ये 90 आ जाएगा, 25 × 64 16 नीम कितने होते हैं, 144, तो 1440 हो जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा, 1950 क्या आएगा आपके पास में, टोटल नंबर ऑफ मेल आ जाएंगे। अब उसने पूछा क्या, वो हम फाइंड आउट कर देंगे। उसने पूछा है, अब इनका डिफरेंस लेना अपने को, के और एल में, के एंड एल में फीमेल्स ऑन सुपरवाइजर पोस्ट, सुपरवाइजर का है के एल एन में 13500 और 1550, तो 1350 इसके अंदर हमारे पास में सुपरवाइजर लेने थे, सॉरी हमने क्या ले लिया, ये 40 और 60 क्या ले लिया था, देखो ये हमने क्या ले लिया, डिजाइनर्स ले लिया, जबकि हमें 64 और 30 लेना था, 64 और 30। तो यहां अपने को क्या करना पड़ेगा, 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आपका 1550 का 30% निकलेगा। तो 1550 इसका हम 64% 1350 का क्या निकालें, 64% निकाले 100, तो ये 0 हो जाएगा। देन उसके बाद में फोर एंड फाइव, ये आएगा 27 × 54 का 4 कैरी 5 जाएगा, 27 × 3 क्या होता है, 81 और 5 86 864 हो जाएगा। देन उसके बाद में अगर 30% इसका निकालोगे तो कितना आएगा, 5 × 3 = 15, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, ये हमने गलत कर लिया था, 5 × 3 = 15, अगेन कैरी 1 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और 16 = 6, अगेन 1 × 3 = 4 = 6 5, तो कितना आएगा 9 1329, ठीक है ना। अब 1329 और 1950 उसने डिफरेंस पूछा है, तो 1329 अगर 1950 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 621। अब ये 621 आपका 31329 का कितना परसेंट है वो आपको देखना है। तो अब इसका डायरेक्टली अगर हम परसेंटेज निकालो, देखो 1329 का 10% कितना होता है, 132 के अराउंड, 133 के अराउंड होगा, तो 133 के अराउंड होगा, 132.9 133। तो हम देखो अगर हम 40% की बात करें तो 13 × 52 520 के अराउंड आता है, तो ये 40% का ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखो तो मतलब हम 45% 130 का आधा 500, देखो 130 भी अगर हम इसको 40% निकालें तो 4 × 3 = 12 532 आएगा। तो मतलब 621 तक अपने को जाना है, पर 532 अपने पास में आ गया। अब हमें रिमेनिंग नियर अबाउट क्या है, 89 निकालना है, अभी भी 89 निकालना है ना, देखो 68 तो इसमें से निकालना है, 68 और 21, तो 89 आपको अभी भी रिमेनिंग चाहिए। अब 89 याद हो, इसका 89% निकाल दो, 89 1329 का कितना परसेंट है, तो 40% तो कैंसिल आउट हो गया, 42% भी नहीं होगा, क्योंकि 1% कितना होगा, 13 × 13 = 26, तो ये 42। अब 13 से मल्टीप्लाई करें, 13 × 78 है ना, 13 × 78 91 क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और 13 × 78 मतलब 6 तो आएगा ही आएगा, 78 तक जाना था, 89 जाना है, 78 से ऊपर 89, तो 46% नन का ऑप्शन नहीं है, तो हम 46 डायरेक्टली लगा के देख सकते हैं। ऐसा आप विद द हेल्प ऑफ टेबल क्या कर सकते हैं, इजीली पहुंच सकते हैं। यहां मैंने 133 किया था, तो ये पॉइंट जो 3 कम है वो इसलिए 13 × 78 13 − 91 के अराउंड जा रहा है, पर हमारे पास में 133 पॉइंट भी है, तो इस वजह से अपना आंसर क्या आएगा, 46.7 आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मिनिमम 6 तो जाएगा ही, इसलिए 45.8 अपना नहीं रहेगा, इसलिए अपना राइट आंसर क्या आएगा, 46.7%। अगला देखें, द एवरेज एज ऑफ मेल डिजाइनर इन फैक्ट्री एन इज 74। एन में जितनी भी मेल है उनकी एज कितनी है, जितनी भी मेल है उनकी एज है 74। हमें अभी क्वांटिटी नहीं बोला उसने, जब जरूरत होगी तो निकालेंगे। वो कहा 2/5 ऑफ देम हैव एवरेज एज ऑफ 76 ईयर, जितने भी है उसमें से 2/5 है, तो 2/5 में से अगर हम देखो, 2/5 का मतलब क्या हुआ, 2/5,
एक्स वाई जेड कितने भी मेंबर हैं, तो अगर हम देखो इसका एक यूनिफॉर्म लेने के लिए मैंने मान लिया 10 मेल हैं, तो 2/4 कितना होगा, 4 उसके 4 देन कह रहा है 50% ऑफ द रिमेनिंग 6 बचे उसमें से 3 एंड रिमेनिंग 3, तो इन 4 इन 10 की एवरेज तो कितनी होगी 74, इन 10 की एवरेज कितनी हुई 10 की एवरेज होगी 74 देन 2/4 देन 3, ठीक है ना। अब इन 4 की एज कितनी है अपने पास में 76 और 50% ऑफ द रिमेनिंग हैव एवरेज एज 4 ईयर लेस देन दैट ऑफ ऑल द मेल्स, तो ऑल द मेल्स तो मतलब सभी मेल की 74 है, तो इन 50% की कितनी है 70 ईयर, और इन रिमेनिंग 3 की अपने को निकालनी है। अब देखो या तो इन 10 को आप 740 से मल्टीप्लाई कर लो, 74 से मल्टीप्लाई कर लो 740 आएगा, फिर 76 को 4 से एंड 70 को 3 से इन सबको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो और उसमें रिमेनिंग में क्या करोगे 3 का डिवाइड कर दो, इनका एवरेज एज आ जाएगा। अब डायरेक्ट हमें करना है, देखो 76 था तो मतलब इन चार जनों की दो दो साल बढ़ी है, तो मतलब हमें क्या करना होगा 8 एज इनको देनी है, 8 एज चाहिए ना इनको, क्योंकि 4 साल एवरेज 74 है जबकि इन चार लोगों की 76 साल है, तो 74 तो है इनको बढ़ाना है अपने को, मतलब प्लस 8 जो भी नंबर आएगा अपने को इनको देना है, ये करा है। बाकी 3 की क्या है 70 है, तो इन 3 से हमारे पास में कितनी कम होगी, एवरेज 74 है तो इन तीनों पर्सन की मिला के 4 4 8 12 कम हो जाएगी, 12 कम हो जाएगी, तो 12 में से 8 तो यहां चली गई, 8 यहां चली गई, ये मेरे पास में प्लस का 12 है, ये माइनस का 8 है, तो प्लस का 4 मेरे पास में रिमेनिंग रहेगा, ठीक है ना। दिन की 74 तो है ही मेरे पास में, तो 74 से देखो बढ़ेगी, अब 74 5 मंथ, अब 74 ये 4 साल कितने में डिवाइड करना है, 4 साल को आपको 3 मंथों में डिवाइड करना है 3% में, तो 1 सही 1/3 ईयर, मतलब 75 तो आपका ऑप्शन आएगा ही आएगा, तो 74 वाला कैंसिल, 72 वाला कैंसिल, 75 ईयर 6 मंथ हमें देखना पड़ेगा। देखो 1 साल 1/3 का मतलब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, मतलब 1.4 मतलब 75 ईयर 4 मंथ, 75 ईयर 4 मंथ आपका क्या होना है, आपका राइट आंसर रहेगा 75 ईयर 4 मंथ। आप ऐसे जब तक जैसे अब अगर हम करें तो हम पहले क्या करेंगे, एन के पर्संस को निकालेंगे, मेल पर्संस को ऐसे करेंगे तो अपना बहुत टाइम लगेगा, जहां अपने को रिक्वायर्ड डाटा होता है वहीं अपने को निकालना होता है, ऐसे करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन राइट क्या रहेगा 75 ईयर 4 मंथ। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल फीमेल डिजाइनर्स इन फैक्ट्री एम एंड एन टुगेदर, ठीक है ना, वो कह रहा है एम एंड एन में क्या करना है, टुगेदर फाइंड आउट करना है फीमेल मैनेजर इन फैक्ट्री, रेशियो हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक है ना। तो रेशियो एम एंड एन में क्या चाहिए आपको, ये एम एंड एन, फीमेल डिजाइनर, डिजाइनर देखो ट्राइंगल में है, डिजाइनर ये रही आपके 22,500 एंड 1700, ठीक है ना। एम एंड एन, एम एंड एन डिजाइनर, डिजाइनर अपने पास में कहा फर्स्ट में, ये 36% और ये 70%, तो ये कितना हो जाएगा 1190, 17 सत्य कितना होता है 119 होता है, ठीक है ना, तो 1190 हो जाएगा, 36% अपने को निकालना हो इसका, तो 225 into 36/100, ये 4 से कैंसिल कर दो, 4 9 35 25, इसको आप करोगे तो 90, तो ये कितना हो जाएगा 810, इन दोनों को ऐड करोगे 810 प्लस 1190 कितना हो जाएगा आपके 2000, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स डिजाइनर फीमेल्स इन एम एंड एन टुगेदर कितने 2000। तो अब क्या करा, फीमेल मैनेजर, मैनेजर कहां है हमारे पास में, ये मैनेजर है 13,500, कौन सी कंपनी में चाहिए, एल में चाहिए, तो 1550 मैनेजर, मैनेजर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, देखो यहां पे मैनेजर इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका 40% चाहिए अपने को, 40% चाहिए, ठीक है ना। तो भाई 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 210 into 400, अपना ऑप्शन क्या रहेगा 40%, इसमें आपका ऑप्शन आएगा कितना, एक मिनट देखते हैं, एल में अपने पास में टोटल नंबर ऑफ मैनेजर्स कितने हैं, मैनेजर्स पूछा उसने फैक्ट्री एल में 40%, और एम एल में हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे 1550, तो 1550 क्या हो जाएंगे आपके, 1550 का 40% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना, 5 4 जा कितना होगा 20, ये 2 5 4 जा 22, अगेन 2 4, ठीक है 40%, 155 क्या रहेगा आपके,
155 इंटू 4 कितना होगा, 5 4 जा 20, अगेन 2 कैरी हो जाएगा, 5 4 जा 20 इन 22, अगेन इसका क्या हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 4 4 6 20। तो उसने क्या रेशियो पूछा, उसने 2000 रेशियो 620। तो आप क्या करो, इसको सोल्व करोगे तो 100 रेशियो 31, ठीक है, 100 रेशियो 31। कंपनी मैनेजर इन फैक्ट्री एल, एम एंड एन, हमने एम एंड एन में 22500 22500 और 1700 का लिया, देन उसके बाद में फैक्ट्री एल में 1550, एल में आपके मैनेजर्स कितनी है, 40% है, ठीक है ना, 40% है, 40% डायरेक्ट हम 15.5 से लेके चलें तब भी आपका हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि अपने पास में कोई भी अभी सोल्व हो नहीं रहा, रेशियो फाइंड आउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखें तो ये आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस का जो डीआई है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, उसमें मिसिंग डीआई भी है, कुछ डाटा मिस है, वो हमें सोल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन पिस्ता इज 5%, वो कह रहा है पिस्ता पे परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, परसेंटेज प्रॉफिट 5% है, ठीक है ना। व्हाट विल बी इट्स सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस देखो 900 उसने बता रखा है, एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 300। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किस में ऐड होगी, सीपी में ऐड होगी, तो 1200, ठीक है ना, 1200 हमेशा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो सीपी में ऐड होगी, क्योंकि वो उसको भेजेगा, तो अपने को कुल लागत मूल्य देखना है, 5% उस पे क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो 1200 पे 5% 60 होता है, तो 1260 रुपए आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 1260 रुपए आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। नेक्स्ट देखें, द सेलिंग प्राइस ऑफ ग्राउंड नेट, ग्राउंड नेट की बात कर रहा है वो, इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रून, प्रून का कॉस्ट प्राइस भी हमें निकालना पड़ेगा। वो कह रहा है देखो सेलिंग प्राइस इसका 800 रुपए है, और जबकि इसको लॉस 300 रुपए का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस में हम क्या करेंगे, लॉस एड करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 1100 रुपए इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब ग्राउंड नेट का हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस, तो अभी हमें सेलिंग प्राइस इसका दिया नहीं है, तो ये कितना होगा, 2200, तो रुपए देखो 2000 रुपए ये हो गए कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसका कितना है 500, और जो प्रॉफिट है वो कितना 2750, तो 2750, ठीक है ना, 1100 का कितना परसेंट है, सीधा डिवाइड करोगे, 100% 200% हो नहीं सकता, 2200 होगा, 240% 11 44 वो भी नहीं होगा, 440 11 55 550, तो 250% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा। 11 से डिवाइड करोगे 11 2 22 11 55 250% आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लॉस ऑन एप्रिकोट, एप्रिकोट पे जो लॉस हो रहा है एंड प्रून पे जो लॉस हुआ है उसका, तो प्रून पे अपने को ये एप्रिकोट के लिए ए लिखा हमने, प्रून के लिए पी लिखा, जो प्रून पे लॉस हुआ है वो हमें 300 दिया हुआ है, जबकि एप्रिकोट, एप्रिकोट पे वो कह रहा है 5% का लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो 5% का देखो फ्रेंड्स क्या मतलब होता है, 1/20 होता है, 5% को हम लिखे 1/20, तो सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस का 20 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 19 होगा, ठीक है ना, तो 5000 हमारे पास में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 5000, तो 5000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास, 1919 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 19 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें लॉस निकालना है, लॉस कितने का हुआ, 1 का लॉस हुआ, तो यहां 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 19 से 3 डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19 3 57, तो 50 रेशियो 57 आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जब भी आपकी मिसिंग डीआई या फिर अर्थमेटिक डीआई आती है, तो या फिर रेशियो का क्वेश्चन डीआई के अंदर पूछा जाता है, तो सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि आप उसको सोल्व मत करो, फाइनल में कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ कट होगा एंड डायरेक्ट रेशियो बनेगा। अगर आप इंडिविजुअली सोल्व करने लगोगे तो फिर वहां आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 50 रेशियो 57। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ रेजिन एंड दैट ऑफ द ग्राउंड नट, ठीक है, रेजिन और सेलिंग प्राइस का, सॉरी रेजिन एंड ग्राउंड नट का जो सेलिंग प्राइस है उनका डिफरेंस पूछा उसने, ठीक है ना, डिफरेंस पूछा है। तो सबसे पहले रेजिन 6000 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस है, ट्रांसपोर्टेशन 6400 रुपए, एंड प्रॉफिट 7%, मतलब 64 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 860 को 7 से 420 448 रुपए आने वाला है, ये प्रॉफिट 448, तो 6400 रुपए जो आपका कॉस्ट प्राइस था उसमें 448 अगर आप ऐड करते हो तो कितना आएगा, 6848 रुपए, 6848 रुपए आपके क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, किसका, रेजिन का, ठीक है ना। अब डेट ऑफ द ग्राउंड नट, ग्राउंड नट का अपने को पास में निकालना है 2500 और 2700, तो मतलब 2750 आपका क्या है, ग्राउंड नट का, ग्राउंड नट का सेलिंग प्राइस, बिकॉज कॉस्ट प्राइस 200,
कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 500, प्रॉफिट 250 रुपए, तो 2750 रुपए। ये 8 इधर से आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 2700, 4 तीन में से 9 जाएगा, तो देखो 98 जहां भी आ रहा है वही अपने ऑप्शन होंगे, ऑब्वियस बात है लास्ट तीन में आ रहा है तो हम डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते। इधर इधर इसने कैरी दे दिया, 7 से 70 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 4098 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप चेक करते हैं तो देखो 2750 है, इसमें 4000 जोड़ोगे तो 4000 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6750, उसके बाद हमें कुछ ही वैल्यू चाहिए तो 3098 तो वैसे भी चला गया, 4200 जोड़ के देख लो 6900 हो जाएगा, तो ये भी वैसे चला जाता है, 4000 एग्जैक्ट जोड़ना नहीं है, 4100 भी एग्जैक्ट जोड़ना नहीं, तो 4098 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन मेथड से भी डायरेक्टली देख कर सकते हो, यहां तो अपने को सिर्फ क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, हमने कर लिया 4098। इफ द लॉस ऑन पिस्ता इज 10%, वो कह रहा है पिस्ता पे लॉस कितना है, 10% का लॉस है, सॉरी 10% का लॉस है, ठीक है ना। इट्स सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ रेजिन, तो इसका सेलिंग प्राइस अगर पिस्ता पे वो कह रहा है इफ द लॉस ऑन पिस्ता इज 10%, लॉस अगर 10% हो तो देखो 900 + 300, पहले तो मेरे पास में 1200 रुपए इसका टोटल लागत मूल्य, ये क्या हो गया लागत मूल्य आपका। अब इस पे कह रहा है 10% लॉस है, 10% मतलब 120, तो 1080 का क्या बिका गया, ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है ना, 1080 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब कह रहे ये जो सेलिंग प्राइस है इज लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ रेजिन्स, रेजिन्स रेजिन्स का हमने निकाला था 6848 रुपए, रेजिन का भी निकाला था हमने 6848, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया उसने, 6400 रुपए आपका लागत मूल्य आएगा, 7% प्रॉफिट होगा, 6848 रुपए, तो वो कह 6848 रुपए, ये जो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 6848 किसके लिए, रेजिन्स के लिए। अब ये पूछ रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है आपका पिस्ता का इज हाउ मच परसेंट लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ रेजिन्स, तो अगर मैं ये देखूं 1080 इसका जितना परसेंट है, मान लो ये 5% आता है, ठीक है ना, और ये 100% होगा उस टाइम, तो ये कितना कम हो जाएगा, 95% हो जाएगा, डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है ना हमें, अगर हम डिफरेंस लेके चलेंगे तो हमें एक एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, इसको हम माइनस करेंगे। मैं क्या करता हूं इस 1080 का परसेंटेज निकाल देता हूं, 1080 मेरा 6848 का कितना परसेंट है, तो ये जितना परसेंट होगा, जो मान लो ये 10% आता, 10% आता तो मतलब ये कितने, इससे कितना कम हो जाएगा, 90% कम होगा, तो हम चेक कर लेते हैं। अब सबसे पहले देखो अगर 92% आएगा, मतलब क्या हुआ कि ये इसका 8% है, तो जबकि देखो 6848 इसका 10% कितना होगा, 684.8% क्या हो जाएगा, 10% ऑफ दिस वैल्यू, 10% आया, तो मतलब अगर ये 10% से ज्यादा होगा ना, तो ये 92 अपना जो ऑप्शन है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 94 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, 89 11%, अगर इसमें 1% और जोड़ दूं मैं, कितना जोड़ूंगा, एक 1% कितना होता है 68.4, तो कितना पहुंचेगा ये ज्यादा से ज्यादा 680 + 68 700 समथिंग, 750 पहुंचेगा, तो ये 89% भी ऑप्शन गलत हो गया। अब मैं 88 की इसमें 12 मतलब इसका डबल कर दूं, कितना होगा 60 और 60 120, और 16 कितना होगा 136.8 होगा, तो मैं इसमें 136.8 भी अगर एड करता हूं तो वो कितना होगा, देखो 136.8 एड करता हूं मैं तो कितना होगा, ये डायरेक्टली 700 84 समथिंग 800 850 तक पहुंचेगा, तब भी हमें 1080 तक नहीं, तो मतलब ये 12% भी नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल, तो मतलब ये 84 जो बचा हुआ है वो मतलब ये कितना इसका 16% नियर अबाउट 16% वैल्यू होगी 1080, तो ये अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 84%। ऐसे ऑप्शन देख के हम इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे 6848 इसमें से 1080 माइनस करो कितना 8 आएगा, इधर 84 में से ये 76, ये 5768 पहले निकालो, 5768 ये कितना 6848 × 100, अब इसको भाग देते रहो आप, वो अभी आपको ऑप्शन मेथड से ही जाना पड़ेगा, इससे बेटर है कि इस 1080 का हमने निकाल दिया इस पे, ये इसका कितना परसेंट था, तो रिमेनिंग जो वैल्यू बचेगी 84% वो अपना 1080 अपना कितना 16% आ जाएगा। ऑप्शन अपने पास में पांचों दे रखे हैं, बिकॉज नन ऑफ दीज नहीं है, तो ऑप्शन मेथड सबसे बेस्ट रहता है आपके पास में कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन आते हैं उनमें करने के लिए। जैसे हमें दिखा 10% देखते ही 684, अच्छा 1080 जाना था, 90 के दो ऑप्शन कम हो गए, देखो 89 88 ऐसी ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन राइट बहुत ज्यादा पीछे दे रखा है, 85 हो जाता 83 और ऑप्शंस होते,
तो हमारे पास में हमें तीन ऑप्शंस के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती, बट ज्यादा डिफरेंस होता है ऑप्शंस में तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहां जैसे 84 अपना राइट आ गया था फ्रेंड, इस टाइप से आपको क्या करना है, डीआई को सोल्व करना है, जिससे कि डीआई को सोल्व करेंगे तो ये अपने पांच दो, अगर दो डीआई आते हैं तो 10 क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत जल्दी सोल्व हो सकते हैं, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट कम करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आपको, आज की डीआई कैसी लगी, ये जो मिसिंग डीआईज है अर्थमेटिक डीआईज है, मेंस में पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में, जो अर्थमेटिक डीआईज आपके प्री एग्जाम में भी आजकल पूछी जाने लगी है। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, चैनल मैथ्स गुरु को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।